प्रिया चक्रवर्ती से नजदीकियां क्या बढ़ाएंगी महेश भट्ट की मुश्किलें? सड़क 2 के बाद क्या कहता है भट्ट कैंप का भविष्य? आने वाला कल खुशियां लाएगा या फिर पनौती, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज्योतिष आचार्य और कुंडली विशेषज्ञ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्होंने बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाई। जी हाँ, 26 साल की उम्र में ही उन्होंने बतौर डायरेक्टर फिल्म मंजिले से अपनी बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि सुर्खियों से हमेशा में विवादों से हमेशा उनका नाता रहा है, लेकिन इस बार वो रिया चक्रवर्ती के साथ अपनी नज़दीकियों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं महेश भट्ट की। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार इस वक्त महेश भट्ट के सितारे क्या कहते हैं। आगे उनकी जो फिल्म सड़क 2 रिलीज़ हुई है, हालांकि उसे इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो इसका इम्पैक्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर कितना पड़ने वाला है, आलिया पर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। जी बिल्कुल मयंक जी, सबसे पहले मैं ये आपसे एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहती हूँ, महेश भट्ट जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बड़ी एक फिल्में दी, आशिकी हो गई या फिर हम रही प्यार के, जिस्म 2, राज, तो इस वक्त उनकी कुंडली क्या कह रही है, क्योंकि इन दोनों वो काफ़ी सुर्खियों में हैं। जी देखिए, उनको इस समय वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि है, और अगर हम बात करें उनके ऊपर तो बृहस्पति की दशा है जी। और बृहस्पति की दशा में उनको शनि की महादशा चल रही है, और शनि उनका चंद्रमा के साथ दशम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है, और वृश्चिक लग्न में शनि अगर शत्रु राशि में आ जाए तो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर सुर्खियों में रहता है। दशम भाव कर्म का भी है और वहाँ पर शनि चंद्र का विष योग बना हुआ है जी। जिसके कारण हमेशा ही ये विवादों में या सुर्खियों में रहते हैं महेश भट्ट जी। इनकी कुंडली ये कह रही है, और इस समय भी ऐसा ही समय चल रहा है जी। और इनकी कुंडली के हिसाब से कहना चाहूँगा, अभी 22 दिसंबर तक इनको शनि की अंतर्दशा रहेगी, तब तक इनका समय बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, और उसके बाद का समय जो है इनको बुध की दशा आएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो परेशानी जो उनके साथ जो भी एलिगेशन लग रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, और समय भी उनका काफ़ी बेहतर आएगा। अगर बात की जाए उनके प्रोफेशनल फ्रंट की, तो 19 साल बाद जाके उन्होंने बतौर डायरेक्टर सड़क 2 से उन्होंने वापसी की, हालांकि वो भी कुछ अच्छा कमाल निकाले। अब यकीन माने तकरीबन 13 लाख डिसलाइक डिसलाइक मिले इस फिल्म के ट्रेलर को, और उसके बाद जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई तो वहाँ पे भी उसे खासा रिस्पॉन्स से मिला। सुशांत कह रहे कि बिकॉज ऑफ ट्रोलर्स जो हैं, खासतौर पे जो सुशांत के फैंस हैं, वो महेश भट्ट को ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, इस समय उनके ऊपर बड़ी परेशानी वाला समय चल रहा है, बड़ी तकलीफ का समय है, और ये खासकर ये अभी से ही नहीं, मैं कुंडली में देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, जब से उनके ऊपर शनि की अंतर्दशा आई है, कहीं ना कहीं वो विवादों में घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, और यही वजह है शनि के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिसंबर तक हम कह सकते हैं कि इनका समय उतना बेहतर नहीं है जी। इसी वजह से फिल्म को लेकर आप जैसे आपने बताया कि 13 मिलियन डिसलाइक मिले हैं, तो लोगों में नाराज़गी बहुत है, और इसका असर कहीं ना कहीं आलिया के ऊपर भी पड़ेगा, ये कुंडली इनकी बता रही है इस समय। तो परेशानी का समय तो इनके लिए चल ही रहा है, और विवादों में जितना ये कम पड़ेंगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं और शनि चंद्रमा की युति है, तो ये परेशानी इनके लिए खड़ी हो सकती है कुंडली के हिसाब से। और इनका लगन का कारक मंगल भी नीच का होकर बैठा है, जो भी अक्सर इनको विवादों में घसीट लेता है, तो ग्रह नक्षत्र के कारण अक्सर ये विवादों में रहते हैं, और कुंडली इनकी इस समय अभी ये कह रही है कि 22 दिसंबर तक का समय इनके लिए इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है। रिया को लेकर इन दोनों ये काफ़ी सुर्खियों में है, जिस तरह से रिया के साथ इनकी बढ़ती नज़दीकी की जो फोटोज़ इस वक्त वायरल हो रही हैं, और फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट जो भी वायरल हुई है,
तो उसको लेकर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने रिया चक्रवर्ती की भी कुंडली का विश्लेषण किया था, जिसमें आपने भी उनके ग्रह नक्षत्रों को लेकर बताया था कि उनके लिए वक्त अभी बहुत ख़राब है, हो सकता है तो क्या कहते हैं जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह से आपने बताया था कि राहु केतु की दशा जो उन पर चल रही है तमाम ग्रहों की। तो मैं जानना चाहती हूँ रिया से महेश भट्ट का जुड़ना क्या लगता है, महेश रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट की परेशानियों को दिक्कतों को बढ़ा सकती हैं फ्यूचर में? देखिए इस समय हम कहते हैं जब कोई दो व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जिनको समय ख़राब चल रहा है, चाहे उनकी राशि ग्रह कितने ही मैच कर जाएं, अगर कोई दो व्यक्ति एक समय के लिए एक साथ रहते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, चाहे मित्र हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, अगर दोनों का समय ख़राब चल रहा है तो दोनों को कंट्रोवर्सी में रहना पड़ेगा, एक दूसरे को लेके कंट्रोवर्सी एलिगेशंस आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं और दोनों की कुंडली में अभी समय ख़राब चल रहा है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, इस तरीके से वाद विवाद का विषय आज की डेट में बन चुके हैं महेश भट्ट जी और रिया, तो दोनों की कुंडली में समय ख़राब है, इसकी वजह से एलिगेशन और ये परेशानियाँ दोनों की अभी बढ़ रही हैं। मैंग जी, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आलिया ने अपने पापा के प्रोडक्शन, क्योंकि ये पहली फिल्म होगी जो अपने पापा के प्रोडक्शन में जो उन्होंने की, ये सड़क टू, और क्या लगता है आपको उनके करियर का ये फिल्म कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, डाउनफॉल कहें आलिया का इसके बाद या फिर आगे बढ़ेंगी? देखिए ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही डाउनफॉल रहता है, नाराज़गी सबसे रहती है, और एक नहीं, ये नहीं, रिया नहीं, आलिया नहीं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे लोग नाराज़ हुए हैं एक समय पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्में हमेशा नहीं देखी गई हैं, एक समय की बात होती है। अगर ज्योतिष के हिसाब से ही बोलना चाहूँगा कि कुंडली में हम ज्योतिषी ये कहते हैं कि अगर समय ख़राब आ गया आपका जी, तो चाहे आप कितने बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, आपके ऊपर विपत्ति आएगी, आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, या आपकी फिल्में नहीं चलेंगी, आपका काम नहीं चलेगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो ऐसा ही कुछ समय अगर हम कहें कि इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में आलिया को भुगतना पड़ेगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अभी हमने उनकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन अगर महेश भट्ट जी की कुंडली के हिसाब से कहता हूँ तो इनके जो संतान भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, वहाँ राहु बैठा हुआ है अभी जी। और जो ग्रह स्थिति है कहीं ना कहीं संतान को भी कष्ट मिल रहा है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट आलिया के ऊपर भी आ रहा है, पर इसका मतलब यही नहीं है कि भविष्य में वो नकार दी जाएंगी, इनकी कोई फिल्म हिट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो काफ़ी और फिल्में उनकी जो आएंगी उसमें काफ़ी अच्छा नाम कमाएंगी। मैं इनके मैं जानना चाहती हूँ, एक तरफ महेश भट्ट 70 साल के हो गए हैं, दूसरी तरफ उनकी फिल्म सड़क टू भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, तीसरी तरफ उन्हें ट्विटर पे सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है सुशांत सिंह की मौत के बाद, और उसके ऊपर से कंगना रनौत का गंभीर एलिगेशन लगाना उनके ऊपर कि किस तरह से वो जो किड्स को आगे, जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें आगे बढ़ने देते हैं, किस तरह से एक माफिया चलता है, फिल्म माफिया से ये लोग जुड़े हुए हैं, इतनी तमाम कठिनाइयों के साथ क्या लगता है आगे उनका डाउनफॉल, एक बुरा वक्त से जूझ रहे हैं, एक डाउनफॉल शुरू हो गया है महेश भट्ट का? देखिए इसको आप हमेशा के लिए नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज के बाद कोई फिल्म नहीं बनाएंगे या कोई फिल्म हिट नहीं होगी, ऐसा नहीं है, समय की बात होती है और समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, आज जो नाराज़गी है वो कुछ समय के बाद प्यार में भी तब्दील हो सकती हैं जी। और अब आप देखें पास में बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने बड़े गलत बयानबाजी करी जिसका उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, उनके हाथ से फिल्में गई, उनके हाथ से एंडोर्समेंट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के डेट में उनको काम नहीं मिल रहा है, तो यही इनके बात है कि दिसंबर के बाद से इनका समय काफ़ी अच्छा आ रहा है और फिर से आने वाले समय में ऐसे ही दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, क्योंकि हम ज्योतिष गणना के हिसाब से बता रहे हैं, किसी व्यक्तिगत किसी स्वभाव किसी व्यवहार की बात नहीं हो रही है, और कहते हैं ना कि हम ज्योतिषी हमारा काम है कुंडली के हिसाब से देख के बताना कि कुंडली में अगर ख़राब समय चल रहा है तो वो भी बताया जाए, और कुंडली में अच्छा समय कब से आ रहा है वो भी बताया जाए, तो 22 दिसंबर के बाद इनका अच्छा समय शुरू हो रहा है 22 दिसंबर 2020 के बाद, तो उसके बाद इनकी फिल्में और आएंगी और ये अच्छा काम भी करेंगे और कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे, इनको कुंडली के हिसाब से ये कुंडली में इनके योग है कि अगर कंट्रोवर्सी कुछ स्टेटमेंट देंगे कंट्रोवर्शियल
तो परेशानी में आ जाएंगे, जनता के निशाने पर रह सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमने महेश शर्मा जी से जाना कि आखिरकार महेश भट्ट की कुंडली क्या कहती है, आखिर क्यों उनका हमेशा से कोई ना कोई विवादों से नाता रहता है और किस तरह से वो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसके बाद वो पूरी तरह से घिर जाते हैं। बहरहाल, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी आपको अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना हो या फिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानना हो तो भेजिएगा, आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए महेश शर्मा जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।